गेमिंग के लिए बेस्ट असेंबल पीसी एक कैबिनेट है। कैबिनेट में ये फैन देता है, ये लोग, ये वायर है। कैबिनेट का नाम है कूलर मास्टर। फ्रंट साइड में दो USB दिया है, ऑन ऑफ की बटन है। इसमें जो SMPS है वो बहुत भारी है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट होता है। देखिए कूलर मास्टर का SMPS भी है। इतने सारे पोर्ट दिए हुए हैं इसमें, कितना भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं इसमें, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। ये देखिए साटा केबल दिया हुआ है इतना। कैबिनेट हो गया, SMPS, इसमें हार्ड डिस्क कितना लगने वाला है, WD की हार्ड डिस्क 1 TB है, WD की हार्ड डिस्क 1 TB। ये देखिए SD कार्ड भी इसमें लगेगा, किंगस्टन का 480 GB का SD कार्ड है। SD कार्ड में OS डालेंगे, 1 TB का हार्ड डिस्क। इसका प्रोसेसर ये देखिए i3 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर है, 8th generation 4i7 डेस्कटॉप प्रोसेसर इंटेल का है। ये देखिए गेमिंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर ये आता है। इसमें अभी रैम देखते हैं, रैम कितना लगाते हैं। रैम इसमें हम लोग 16 GB लगाएंगे, 16 GB। ये देखिए 16 GB रैम मस्त है। और क्या इसमें डालेंगे, मदरबोर्ड, CPU का, प्रोसेसर का फैन। इतना भारी प्रोसेसर का फैन आता है, कुछ क्वालिटी नहीं दी नहीं। अच्छा देखिए प्रोसेसर फैन था, ये मदरबोर्ड है, ये भी कूलर मास्टर का। किधर गए चलो, ये मदरबोर्ड रहा, ये गेमिंग के लिए मदरबोर्ड है। ये देखिए टफ गेमिंग, टिक मारो यार। इसमें 4 स्लॉट है रैम का, DDR4 रैम लगेगा इसमें। ये देखिए इसके नॉर्थ ब्रिज पे और साउथ ब्रिज पे कितना हीट सिंक लगा हुआ है, मस्त मस्त वाला। अभी ये सब मटेरियल को कैबिनेट में डाल के असेंबल करने वाले हम लोग, देखिएगा अभी आगे। एट जी बी का ग्राफिक है, हार्ड डिस्क लगा दिए अभी, ऐसे नहीं तो पता चल।
SSD यहाँ पे लगाएगी, लगेगा। USB पोर्ट दो है, PS2 है, BG, HDMI 2.3, दो दो चार दो छः दो आठ, फ्रंट साइड में दो, 10 पोर्ट USB का यार।